नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KMK यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल। दिवाली का पर्व आ रहा है तो होप आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स और सबके साथ एंजॉय कीजिए। आज धनतेरस है तो धन का पूजन कीजिए, लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाए रखे, वही आप लोग को शुभकामना है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों। आज से वर्ल्ड कप का मेन इवेंट चालू हो रहा है। अब तक जो मैच थे वो क्वालिफायर थे, वेस्ट इंडीज श्रीलंका ग्रुप क्वालिफायर था। अब दोस्तों टेबल तैयार हो गया है, अब दो ही ग्रुप जो क्वालिफाई होके आ गया। अपने ग्रुप में इंडिया वाले ग्रुप में जिम्बाब्वे आ गई है और दूसरी नेदरलैंड टीम आई है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया वाले में आयरलैंड और श्रीलंका। तो इंडिया वाला ग्रुप मेरे को बहुत लकी लग रहा है इस मामले में। लेट्स सी व्हाट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, अब दोस्तों आज पहले लॉजिकली बात कर लेते हैं। पहला मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड सेकंड रहेगा अपना ये इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये सिडनी वाला ग्राउंड है, वो अभी अंडर कवर था, बहुत दिन से बारिश हो रही थी, पर आज डे क्लीन है, मैच होगा पूरा। सम दो तीन मिनट मतलब दो तीन बार शावर गिर सकते हैं, लेकिन मैच तो पूरा होगा ऐसी प्रिडिक्शन है। तो अंडर कवर है तो जो पहले बैटिंग करेगा उसको दिक्कत आएगी, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग लेगी। ठीक है, और दूसरा इंग्लैंड अफगानिस्तान है, वहाँ पर्थ है, तो पर्थ तो आप जानते ही होंगे मेरे हिसाब से, बाकी मैं अपने हिसाब से बताते हूँ। वहाँ पे हाई बाउंस और वो सब रहता है, तो अफगानिस्तान को वैसे खेलने की आदत नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैंने अपना प्रेडिक्शन बनाया है और वो मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने ग्राउंड के बारे में बता दिया, लॉजिक क्या सोच रहा हूँ मैं वो बता दिया आपने, अब मैं आपको बैटिंग के बारे में बताऊँगा। ठीक है, इसके लिए वर्नेक्स पे आते हैं। वर्नेक्स में स्पोर्ट्स में क्रिकेट में 2020 वर्ल्ड कप। ठीक है, इसमें आपको लोग को क्या जानना है दोस्तों, बताया इसमें आपको टीम वन के जो न्यूजीलैंड दिखा रहा है उसके अंडर में 79.5 जाना है। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड के अंडर में 79.5 जाना है आपको। ये क्यों? क्योंकि इसमें मैं अपना लॉजिक बता देता हूँ आपको। अभी जस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान और बांग्लादेश की ट्राई सीरीज़ भी हुई थी क्रिश्चर्च में, जहाँ न्यूजीलैंड का खुद का होम था, वहाँ पे भी वो लोग तीन मैच आप देख लो स्टेट्स उठा के 10 ओवर में 80 रन क्या वो लोग 70 भी नहीं बना पाए थे। तो वही उनका माइनस पॉइंट लग रहा है मेरे को उसमें, और ये तो होम टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो इनको पेल देगी तो 10 में 80 नहीं बनेंगे। ठीक है, दूसरा सेम है मेरे लिए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में स्टेट्स में जाओ, अभी ये बाउंसी विकेट है। ठीक है, इसमें आपको मोर सिक्सेस लेना है इंग्लैंड। ठीक है, बाकी अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस पॉइंट्स में सभी मैंने एनालिसिस कर दिया, मेरे को रिस्की लगा सारा कुछ, तो इसलिए मोस्ट सिक्सेस में आपको जाना है। और ये इब्राहिम जादरान ये आप ले सकते हैं 21 रन इसके, ये 21 रन या एक आधा कैच बना ही लेगा और बहुत ही अच्छा प्लेयर है, तो ये एक भी कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको, और तीसरा जिसको ज़्यादा अमाउंट जाना और एकदम सेफ जाना हो उसके लिए मैं बता देता हूँ, प्लेयर टोटल रन्स में अगर किसी को 50,000 तक जाना हो तो भी उसमें आपको जाना है अजमतुल्ला जज्जाई, इसके अंदर आप 50,000 तक जा सकते हो। ठीक है, पहले आपको 7,300 या 7,200 ही मारने देगा, और नेक्स्ट वो बार बार आप मार सकते हो 7,200। हजरतुल्ला जज्जाई की 50 इस ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है दोस्तों, तो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों,
तो मेनली मैंने क्या अपने दो प्रेडिक्शन बताए, एक पहला वाला जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है उसमें न्यूजीलैंड के 10 ओवर में 80 रन नहीं होंगे, और दूसरा इसमें जय की 50 नहीं होगी, दूसरा इंग्लैंड के 6 ज़्यादा लगेंगे, और तीसरा ये भाई का इब्राहिम जादरान का परफॉर्मेंस पॉइंट। जो आपको सही लगे आपके, पहले ही मैं बोल देता हूँ आपके चड्डी के मुताबिक जाना, चड्डी के बाहर नहीं जाना है दोस्तों इसमें, ठीक है। हम ये एंजॉयमेंट के लिए खेलो, आप इसकी एकदम गंदी आदत लग जाए ऐसा मत करो, ठीक है। ये सब चीज़ सही है, शेयर मार्केट और सभी से बहुत अच्छा है और हम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन सभी चीज़ कोई भी लिमिट, ओवर लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी चड्डी के मुताबिक पैसे खर्च करना, ठीक है। मेरे को काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं, भैया मैं बहुत लॉस में हूँ, बहुत माइनस में हूँ, पर ठीक है लॉस उतना करो कि जितना बेयर कर पाओ, ठीक है। फिर एक अगर आपको, अगर आप ओवर बैटिंग कर रहे हो तभी आप हार रहे हो, तो ऐसा हो तो आप बैठ जाओ 10-15 मिनट के लिए, सॉरी 10-15 दिन का ब्रेक ले लो और फिर आओ, और बाकी ये वर्ल्ड कप और उसमें खेलोगे तो उसमें क्या है, सारी टीमें दिल से खेलेगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो यही चीज़ मेरे बैटवे के जो दोस्त लोग हैं उनको भी बता देता हूँ, सेम आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड के ये लोग 10 ओवर में 80 रन दे रहे थे, उसमें भी आप सेम अंडर में जा सकते हो, ठीक है ये वाला। और इंग्लैंड अफगानिस्तान में इसमें आप अफगानिस्तान के 73 के अंडर में भी जा सकते हो, और दूसरा इब्राहिम जादरान के ओवर में जा सकते हो 19, ठीक है। तो बैटवे में भी थोड़ा बहुत सेम चीज़ मिल जाएगा, मोस्ट सिक्सेस वाला ये लोग दे रहे हैं क्या, मोस्ट फोर्स इन द मैच, मोस्ट सिक्सेस ये लोग नहीं दे रहे बैटवे वाले, आराम ही हजार मोस्ट सिक्सेस तो देना चाहिए ना इनको, टोटल सिक्सेस दे रहा है दोस्तों, तो इसमें सिक्सेस वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो होप आप सबको समझ में आएगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस, और जो भी आपके भाई लोग हैं उनको आप मेरे का बैटवे का लिंक, पारी मैच का लिंक, सेम आपको पारी मैच में भी मिल जाएगा, और 1xbet का प्रोमो कोड है, लिंक उसका जल्दी जल्दी 4-5 दिन में एक्सपायर हो जाता है, तो प्रोमो कोड यूज़ करके आप आराम से यूज़ कर सकते हो, सो दैट आई कैन हेल्प यू इन डिपॉजिट एंड विदड्रॉल सेक्शन। तो ऐसे ही दोस्तों वर्ल्ड कप में मेरा हर रोज़ आपको शॉर्ट शॉट वाला बैट वाला विन आता रहेगा। तो आप अपने देखो, सपोज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, 5,000 पड़े ना सपोज़ आपके पास, तो ऐसे प्री बैटिंग में आप 1,000 रुपये लगाओ और बाकी 4,000 देख के मारना है, लाइव देख के, ठीक है, थोड़ा ऐसे करना आप। मैं भी ये एक्यूमलेटर बनाता हूँ, सपोज मैं तो अपने पास 25,000 लेके बैठता हूँ, तो मैं 5,000 का ये बनाता हूँ और बाकी 20,000 से मैं लाइव में खेलता हूँ, ऐसा है, ठीक है दोस्तों। तो होप हैप्पी दिवाली वंस अगेन, बाय, हैव अ नाइस डे।